इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देवरिया से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 3 हुक्का बार पर पुलिस का छापा पड़ा है। अवैध रूप से 3 हुक्का बार पर छापा पड़ा है क्योंकि अवैध रूप से इसे चलाया जा रहा था। मौके से दर्जनों युवक और 5 लड़कियों को हिरासत में लिया जा चुका है। काफी दिनों से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी करके पुलिस ने यहां से कई लोगों को हिरासत में लिया है। तो इस हुक्का बार को अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर धरले से एक अवैध हुक्का बार को चलाया जा रहा था। यहां पर लगातार एक साथ 3 हुक्का बार बताए जा रहे थे जो कि अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। अब ऐसे में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है और छापा मारते हुए मौके दर्जनों युवक लड़कियों को भी हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर आपको देवरिया से जुड़ी हुई दे रहे हैं। देवरिया से ये मामला सामने आया है जहां पर हुक्का बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस की तरफ से 3 हुक्का बार पर छापा मारा गया है और काफी दिनों से हुक्का बार को इसी तरीके से चलाया जा रहा था, जैसे इस बात की जानकारी सदर कोतवाली क्षेत्र को प्राप्त हुई। यहां पर पुलिस कर्मियों ने छापा मारकर दर्जन भर युवक और 5 लड़कियों को हिरासत में लिया है। तो देवरिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर 3 हुक्का बार अवैध तरीके से चलाया जा रहा था और 3 हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है, जिसके बाद से दर्जन भर युवक और 5 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। पर अवैध रूप से चल रहे कुछ हुक्का बार के बारे में सूचना प्राप्त होने पर आज स्थानीय पुलिस द्वारा 5 हुक्का बार केंद्रों पर छापा मारा गया और यहां से कुल 53 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मालिक और उनके स्टाफ के 14 लोग और शेष नए लड़के और नई उम्र की लड़कियां यहां से बरामद हुई हैं। इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है तथा संबंधित जो विभाग हैं उनको सूचना देकर के अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। इस हुक्का बार को चलाया जा रहा था, देवरिया का पूरा मामला है जहां पर 3 हुक्का बार पर पुलिस के तरफ से छापेमारी की गई है और छापेमार कार्रवाई में दर्जन भर युवक और 5 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। तो 3 ऐसे हुक्का बार बताए जा रहे हैं जहां पर देवरिया में इसे अवैध तरीके से चलाने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद से अब इस पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए यहाँ से दर्जन भर युवक और साथ ही 5 लड़कियों को हिरासत में लिया है। तो मौके से जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अवैध तरीके से जो हुक्का बार चलाया जा रहा था, अब इसके संचालक से भी पूछताछ की जाएगी। तो देवरिया में लंबे समय से ये 3 हुक्का बार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली कि अवैध तरीके से इस हुक्का बार को चलाया जा रहा है, तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और छापा मारा गया। इस पर अधिक जानकारी के साथ घनश्याम हमारे साथ।